नाराज मत हो ना, मैं थोड़ा परेशान हूँ ना, ठीक है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो मेरा फ्रेंड है राहुल, उसका फ़ोन टूट गया है, तो भाई आज हम जा रहे हैं उसको ठीक कराने दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, गफ्फार मार्केट में। आज आपको भी उसका गफ्फार मार्केट का टूर कराएंगे। तो भाई वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। और भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं गफ्फार मार्केट में, आपका एंट्रेंस दिख रहा होगा सामने। आज मैं आपको इस मार्केट की रियलिटी बताऊंगा गाइस, जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली है। सो गाइस वीडियो में बने रहना एंड तक। सो गाइस, कुछ ऐसी दिखती है गफ्फार मार्केट। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोबाइल्स की शॉप देखने को मिलेंगे, और भाई यहाँ पर ये छोटी छोटी स्टॉल लगा कर बैठ जाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की। वैसे आज भीड़ कम देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ दिल्ली में, और डीवन के जैसे दुकानें खुलती हैं तो भाई आधी दुकानें बंद थी और आधी दुकानें खुली हुई थी। तो भाई हमने इस लड़के के पास अपना मोबाइल चेक करवाया, तो भाई इसने भी फोल्डर डालने की उतने ही पैसे मांगे जितने आपको नॉर्मल शॉप्स पे देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये देखते हैं ना कि नया बंदा है तो भाई ये अपना मन मर्जी जितना चाहे उसको अमाउंट बता देते हैं और उन्हें भाई लूट लेते हैं। और भाई बोलने पर भी ये 100-200 से ज़्यादा रुपए कम नहीं करते, इतना तो आप किसी दुकानदार से भी नेगोशिएट करोगे तो वो भी कम कर ही देगा। तो भाई इतनी दूर आने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा, और इनका कोई भरोसा भी नहीं है गाइस। आपके फ़ोन में कोई घटिया सा फोल्डर डाल देंगे जो सिर्फ 1-2 हफ्ते चलेगा, फिर ख़राब हो जाए, फिर काटते रहना चक्कर यहाँ के। IQ7 का कवर मिल जाएगा इसका? नहीं मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर ये जो बंदा है, ये हमें iPhone 12 Pro Max, जो भाई 1.5 लाख का फ़ोन है, ये हमें 75,000 रुपये में दे रहा था और बता रहा था कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। डिब्बा वगैरह भी है इसका? फोन है नया, यूज नहीं है, बिल्कुल नया। कितने में? 128 में। एयरपोर्ट में ना पकड़ जब लेते हैं ना, तो कहते हैं कि ये तो आप बिजनेस के लिए लेके जा रहे, तो कहते नहीं नहीं अपने यूज़ के लिए थे, कह रहा सिम डालो, तो उसमें एक्टिवेट हो गया। ये यूज़ किसी ने किया नहीं है, और 3 महीने पहले एयरपोर्ट से ला रहे थे ना, तो सिम डलवा दी कस्टम वालों ने, इसलिए। गाइस फ़ोन की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यूज्ड फ़ोन है, और ये इसको बिल्कुल नया बोल के बेच रहे थे, नया बता रहे थे इसको, और बहाना बना रहे थे कस्टमर जो पकड़ लेते हैं ना फ़ोन, ये वो फ़ोन है। गाइस मुझे तो कहीं से भी ये नए फ़ोन नहीं लग रहे थे। गाइस इनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये फ़ोन नया है। तो भाई मुझे तो या तो ये फ़ोन चोरी का लग रहा था, नहीं तो ये यूज्ड फ़ोन है किसी का सेकंड हैंड, और ये आपको नया बता के दे रहे हैं। और भाई प्राइस भी, नए फ़ोन का प्राइस 1 लाख से 1.25 लाख रुपये है, और ये वही फ़ोन आपको ये 75,000 रुपये में दे रहे हैं। तो भाई इतना कम प्राइस में ये कैसे दे सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। एक्चुअली एक्टिवेट हो गया, ये जो फ़ोन था ना ये पहले से ही एक्टिवेटेड था, इसमें किसी की पहले ही एप्पल की आईडी डली हुई थी, और ये हमें बता रहे थे कि एयरपोर्ट पे एक्टिवेट करवा दिया था ज़बरदस्ती। यूज़ नहीं है फ़ोन, 100% बैटरी है, दिखाना रेट फिक्स है, लास्ट कुछ भी कम नहीं होगा। कितना बताया आपने इसका प्राइस? 75,000। इस प्राइस भी बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, फिक्स प्राइस था इनका, के बोल रहे थे 75,000 में लेना हो तो लो वरना मत लो। आप अगर यहाँ आओ तो भाई इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, ये आपको बेवकूफ़ बना के, और भाई वो चोरी का भी हो सकता है या यूज्ड फ़ोन हो सकता है, तो भाई आप इनसे दूर रहना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।